नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत और आज से संसद का 5 दिनों का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों में संसद की यात्रा पर चर्चा होनी है। इस दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक की संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसमें संसद की ऐतिहासिक विरासत का भी उल्लेख किया जाएगा। साथ ही इस सत्र में भारत की 2047 तक विकसित देश बनाने का जो लक्ष्य है उस पर भी चर्चा की जाएगी। अब 19 सितंबर यानी कि कल सुबह 11 बजे पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को जमा होने को कहा गया है और यहीं पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सत्र की आज की कार्यवाही पुरानी संसद में होगी और इसके बाद कल यानी 19 सितंबर को नई संसद में कामकाज शुरू हो जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में जाते समय संसद कर्मचारी नेहरू जैकेट और खाकी रंग की पैंट पहनेंगे। तो यहां पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इस विशेष सत्र पर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि कुल 5 दिनों के लिए संसद के का विशेष सत्र होने वाला है, जिसके लिए कुल 8 बिल लिस्टेड हैं। पहले दिन सत्र की बैठक पुराने संसद भवन में होगी और अगले दिन यानी 19 सितंबर को पुराने संसद भवन में फोटो सेशन होगा और फिर सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में एक समारोह होगा। उसके बाद हम नई संसद में प्रवेश करेंगे। 19 सितंबर को नए संसद भवन में संसद सत्र की बैठक होगी और 20 सितंबर से नियमित संसदीय कामकाज शुरू होगा। तो नई संसद भवन में जो विशेष सत्र होगा, क्या क्या खास होगा उसमें, वो आपको हम बताते चलते हैं। पेपरलेस होगी नई संसद। हर सांसद के आगे टैबलेट रखा होगा और सब कुछ उन्हें उसी से ऑपरेट करना होगा। सांसद का वक्त खत्म होते ही माइक अपने आप बंद हो जाएगा, यानी कि वक्त का ध्यान रखा जाएगा। जिसके लिए जितना वक्त असाइन किया जाएगा वो उतनी ही देर बोल पाएंगे। उससे ज्यादा अगर बोलेंगे तो माइक अपने आप बंद हो जाएगा। वेल का आकार जो है वो छोटा होने की वजह से आसन के सामने हंगामे की जो गुंजाइश हम देखते थे वो अब बहुत कम हो जाएगी। नए संसद भवन में बायोमेट्रिक सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। मीडिया का प्रवेश बहुत ही नियंत्रित है। सीमित संख्या में ही मीडियाकर्मी जो है वो प्रवेश संसद भवन के भीतर कर पाएंगे। मीडिया के पास पर NPB का ठप्पा लगा दिया जाएगा। तो चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे वो कामकाज के लिहाज से, नई संसद जो है वो आधुनिक होगी और उसमें जो बैठने की व्यवस्था की गई है वो थोड़ी अलग की गई है। और वेल में जाकर जो सांसद कई बार चेयर के प्रति विरोध प्रकट करते थे वो गुंजाइश अब बहुत कम हो गई है। तो संसद के विशेष सत्र से पहले कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और बैठक में 34 दलों के 51 नेताओं ने हिस्सा लिया। विपक्ष की ओर से अधीर रंजन चौधरी, फारूक अब्दुल्ला, डेरेक ओब्रायन, HD देवेगौड़ा जैसे नेता जो हैं वो शामिल हुए। विपक्ष के सांसदों की शिकायत रही कि सरकार ने विशेष सत्र से पहले उनसे राय तक नहीं ली। उनकी मांग है कि सत्र के दौरान जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाए। संसद के विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, 34 दलों के 51 नेताओं ने हिस्सा लिया। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, TMC के डेरेक ओब्रायन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, JDS के HD देवेगौड़ा समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। विपक्ष के सांसदों की आम शिकायत रही कि सरकार ने सत्र से पहले उनसे राय मशवरा तक नहीं किया। उनकी मांग है कि विशेष सत्र के दौरान जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हो। यही नहीं, सरकार महिला आरक्षण बिल भी इस सत्र में पास करवाए। सरकार की क्या मुद्दा और सरकार सदन चलाने के लिए क्यों ये बेमौसम सदन को बुलाए, इस विषय को लेकर हमें भी थोड़ा भ्रम तो जरूर थी, लेकिन धीरे धीरे ये सरकार को जो रुख है वो हमें पता होते हैं, लेकिन फिर भी
हमें ये जानकारी नहीं है कि अगले दिन और कुछ नहीं कुछ होने वाला है या नहीं, क्योंकि सरकार की मंशा सरकार खुद जानते हैं। हमारे बीजू जनता दल की पुरजोर मांग है कि विमेंस रिजर्वेशन बिल लाया जाए, और बाकी हमारे कई साथियों ने इस बात का समर्थन किया है। हमारे इस विशेष बैठक में हमने हमारी ओर से ये सुझाव दिया है कि निश्चित ये महिला विधेयक के बारे में इस स्पेशल सेशन, क्योंकि पार्लियामेंट के नए वास्तु में ये पहले ही सेशन में हम लोगों ने सभी पार्टियों ने मिलकर सरकार की ओर से अगर ये बिल लाया जाता है तो सहमति प्रदान करनी चाहिए। वहीं सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बैठक में शामिल हुए। विशेष सत्र के पहले दिन की कार्यवाही पुरानी संसद में होगी। दूसरे दिन सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम होगा और उसके बाद की सारी कार्यवाही नए संसद भवन में होगी। बुधवार से शुक्रवार तक बाकी पूरा सत्र नई संसद में होगा। विशेष सत्र में खास बात यह भी है कि कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल और जीरो आवर नहीं होगा। टोटल देर आर अराउंड 8 बिल्स। फर्स्ट डे ऑफ द सेशन विल इन द न्यू पार्लियामेंट विल हेल्ड ऑन 19th एंड फ्रॉम 20th देर विल बी रेगुलर गवर्नमेंट बिजनेस एंड वी हैव सीक्ड देयर कोऑपरेशन। एवरीबडी हैज अश्योर्ड देयर कोऑपरेशन एंड आई एम क्वाइट होपफुल एंड आई ऑल्सो अपील्ड, माननीय राजनाथ सिंह जी हैज ऑल्सो अपील्ड टू द ऑल पार्टीज फॉर दी देयर कोऑपरेशन टू रन द हाउस। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सोमवार को संसद के 75 साल की यात्रा पर विशेष चर्चा कराई जाएगी, लेकिन विपक्षी कई सांसदों को लगता है कि सरकार के एजेंडे में कोई चौंकाने वाली बात भी हो सकती है, जिसका खुलासा शायद बुधवार को नए संसद भवन में हो जाए। संसद का भवन नया हो या पुराना, सदस्य तो वही है। इस कारण पुराने से लेकर नए भवन तक में चलने वाला संसद का यह सत्र भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष का अभी से कहना है कि सत्र से पहले उससे कोई चर्चा नहीं की गई। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि उसने सभी संसदीय परंपराओं का पालन किया। संसद भवन से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तेलंगाना में बीता हुआ कल सियासत का सुपर संडे रहा। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन सभी दल जोर शोर से चुनावी रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। राज्य में गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अलग अलग रैलियां की, जनता को अपने अपने दलों के वादे और इरादे भी बताए। रविवार के दिन को जहां बीजेपी ने तेलंगाना लिबरेशन डे के तौर पर मनाया, यानी तेलंगाना मुक्ति दिवस, वहीं बीआरएस ने इसे तेलंगाना इंटीग्रेशन डे कहा, यानी तेलंगाना एकीकरण दिवस। उधर एआईएमआईएम भी पीछे नहीं रहे, उसने रविवार को तेलंगाना यूनाइटेड डे मनाया, यानी तेलंगाना एकता दिवस। सबकी बात वही, बस अंदाज नया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, तेलंगाना की रचना के बाद भी तेलंगाना विमोचन दिन मनाने में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण ये पार्टियां जो संकोच कर रही है, मैं उनको कहना चाहता हूं, जो अपने देश के इतिहास से मुंह मोड़ लेते हैं, देश की जनता उनसे मुंह मोड़ लेती है। दरअसल 17 सितंबर को वो तारीख है जब 1948 में हैदराबाद निजाम के हाथों से निकलकर औपचारिक तौर पर भारत में शामिल हुआ। वही दिन आज सभी दलों के लिए ये बताने का मौका बन गया कि तेलंगाना का असली शुभचिंतक कौन है। और अगर आप तारीख का मुताला करेंगे, तारीख को पढ़ेंगे, तो कहीं पर भी आपको आरएसएस या जनसंघ या ये संघ परिवार के लोगों का कोई रोल हैदराबाद के उस वक्त की लड़ाई में इनका नजर नहीं आता है। भाजपा जताना चाहती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और केंद्र के पुलिस एक्शन की वजह से ही हैदराबाद स्टेट भारत से जुड़ा और आज तेलंगाना बन पाया है। केसीआर कहते हैं कि बीआरएस की नीतियों की वजह से ही तेलंगाना की प्रगति हो पाई है, और कांग्रेस जता रहा है कि सोनिया गांधी की वजह से ही तेलंगाना का जन्म हुआ।
उधर नवगठित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हैदराबाद में पहली बैठक के बाद कांग्रेस ने तुकुगुड़ा इलाके में एक बड़ी जनसभा की, जहां सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लोगों के सामने कांग्रेस के 6 वादों का ऐलान किया, जिन्हें अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो 1 महीने में पूरा कर देगी। वी आर अनाउंसिंग 6 गारंटीज, महालक्ष्मी बीइंग द फर्स्ट वन, एंड वी आर कमिटेड टू फुलफिल ईच वन ऑफ देम। भाजपा और बीआरएस दोनों के लिए तेलंगाना में राजनीतिक शत्रु नंबर 1 कांग्रेस ही होगी, क्योंकि केसीआर के तीसरे बार मुख्यमंत्री बनने में कांग्रेस ही अड़चन डाल सकती है। और दूसरी ओर भाजपा नहीं चाहेगी कि 2024 के चुनाव से पहले एक और राज्य कांग्रेस के हाथ में चला जाए। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। खबर अनंतनाग से। यहां के कोकरनाग के जंगलों में आज लगातार 6 दिन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी है, लेकिन कल शाम से कोकरनाग के जंगलों में चल रहे इस ऑपरेशन की जगह से किसी तरह की फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन आतंकियों के खात्मे के लिए भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों के मुताबिक इन जंगलों में 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश में बारिश के चलते बाधा आ रही है। घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों के चलते आतंकियों का सुराग हासिल करने में सुरक्षा बलों को परेशानी आ रही है, लेकिन करीब 1.5-2 किलोमीटर इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। और मणिपुर से एक दुखद खबर आई, जहां छुट्टी पर आए सेना के एक जवान की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। सेना के इस जवान को शनिवार को कुछ हथियारबंद लोगों ने उनके घर से अगवा कर लिया था और उनका गोलियों से छलनी शव इम्फाल पूर्व जिले से बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक सेना के ये जवान आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो छुट्टियों पर अपने घर आए हुए थे। डिफेंस सर्विस कोर में काम करने वाले 49 साल के इस जवान को शनिवार को 3 हथियारबंद लोगों ने इम्फाल पश्चिम जिले में उनके घर से बंदूक की नोक पर अपहरण किया और उसके बाद इम्फाल पूर्व जिले में एक गांव में उनका शव बरामद हुआ है। सेना के इस जवान के परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। मणिपुर में कल एक बॉडी डेड बॉडी रिकवर की गई है, जिसमें बहुत बुलेट मार्क्स थे और ये बॉडी शिनाख्त की गई है थांगलांग कॉम की, जो कि 49 ईयर ओल्ड है और आर्मी पर्सनल है, डिफेंस सर्विस कोर में वो काम करते हैं। इसके पहले उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था असम रेजिमेंट से और आर्मी ने इस ये जो किलिंग हुई है इसकी कठोर निंदा की है। जो आर्मी पर्सनल है कॉम, वो छुट्टी पे थे और आज के दिन उनकी ज्वाइन करने की बात थी फिर से ड्यूटी में, उनके घर इम्फाल में है। और जो खबर मिली है हमको पुलिस के सूत्रों से कि शनिवार को कुछ संदिग्ध लोगों ने बंदूक की नोक पे उनको अगवा किया था और इसके बाद उनकी बॉडी मिली थी। अब पुलिस इस मामले को अभी भी, जो मणिपुर में जिस तरह से नस्ली हिंसा हो रही है पिछले 4 महीने से, उसके साथ अभी भी नहीं जोड़ रही है, उस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मगर वो क्योंकि कॉम भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ क्या नस्ली हिंसा हुई है या फिर दूसरी कुछ वारदात थी, इसकी शिनाख्त अब पुलिस कर रही है। और इसके साथ साथ मणिपुर में और एक जो इंसिडेंट में 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनके पास सोफिस्टिकेटेड आर्म्स मिले हैं, आर्मी फटीग में वो थे और इनको जब हिरासत में लिया गया, इसके बाद बहुत लोगों ने पुरमपट पुलिस स्टेशन को घेर लिया था, वहां से उनको छुड़ाने की भी कोशिश की मगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसको रेजिस्ट किया। और एक जो इंसिडेंट हुआ है इम्फाल में, उसमें 10 लोग घायल हैं, जिसमें की सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं, क्योंकि एक क्लैश हुआ था मॉब और सिक्योरिटी फोर्सेस में। तो जबकि कोशिश जारी है मणिपुर में नॉर्मलसी लाने के लिए, मगर अभी भी छिटपुट घटनाएं हो रही है और अब एक आर्मी पर्सनल की भी गोली मार के हत्या कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर से एक खौफनाक वारदात सामने आई। मंचलों की करतूत के चलते एक छात्रा की यहां पर जान चली गई। वो साइकिल पर जा रही थी और छेड़खानी की। उन्होंने उसका दुपट्टा खींचा, जिसके चलते वो साइकिल से गिरी और पीछे से आ रही बाइक की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में मंचलों की करतूत के चलते एक छात्रा की जान चली गई। रविवार सुबह जब ये छात्रा अपनी सहेली के साथ साइकिल से जा रही थी, तो तभी कुछ शोहदों ने उसके साथ छेड़खानी की, उसका दुपट्टा खींच लिया। इससे छात्रा का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर गई। तभी पीछे आ रहे मंचलों के एक साथी ने छात्रा को बाइक से कुचल दिया। बुरी तरह घायल छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मेरी बेटी पढ़ के आ रही थी, जैसे मोड़ से मुड़ी आगे बढ़ी, हीरापुर बाजार फेकू दुकान के सामने, वही दो मोटरसाइकिल पर दुपट्टा खींचे और एक चटकना लगाए भी, और वो तुरंत गिर पड़ी, साइकिल टूटी। उसके बाद पीछे से फैसल नाम का लड़का उसको रोकते हुए सिर पर की, सिर उसका फूटा, जबड़ा टूट गया। इससे पहले भी शिकायत की थी, ध्यान देते थे पिताजी उनके, लेकिन कभी जो है कोई पकड़ में आया नहीं था। इस दर्दनाक घटना का सीसीटीवी सामने आने के तुरंत बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस जब पेशी के लिए उन्हें अदालत लेकर जा रही थी, तो इन आरोपियों ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। जवाब में पुलिस ने दो आरोपियों के पैरों में गोली मार दी और तीसरे आरोपी का भागने के दौरान पैर टूट गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसमें तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे। वो गिरफ्तार अभियुक्त आज मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बसखारी ले जाए जा रहे थे। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के पहले ही उनके एक जगह उन्होंने पेशाब करने की बात करके गाड़ी रुकवाई, और उस दौरान उन्होंने पुलिस की इंसास राइफल छीनने की कोशिश की और उसे फायर किया, जिसे पुलिस पार्टी ने रिटेलिएट किया, जिसमें से दो अभियुक्त शहबाज और एक अन्य अभियुक्त को पैर में गोली लगी और एक अभियुक्त का पैर टूट गया गिरने से। छात्रा की मौत से परिजन सदमे में हैं। उनका कहना है कि आए दिन ये मंचले छात्रा के साथ छेड़खानी करते थे। छात्रा ने कई बार इस बारे में परिजनों को भी बताया था। अगर ऐसे मंचलों पर पुलिस पहले ही सख्त होती, तो शायद ऐसी घटना ही नहीं होती। घटना के बाद एसपी ने इलाके के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। अम्बेडकर नगर से प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, यानी कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है। निजी विद्यालयों में भी 25% सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है, लेकिन राजस्थान के कई स्कूलों में छात्रों को यह अधिकार नहीं मिल पा रहा है। कई स्कूलों ने इस सत्र में आरटीआई के तहत एडमिशन ही नहीं लिए, जिससे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य जो है वो संकट में चला गया है। राजस्थान में हजारों बच्चे शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित रह गए हैं। वजह है स्कूल संचालकों और सरकार के बीच चल रही रस्साकशी। हर बार मैं आरटी में फॉर्म भरती हूँ, आरटी वाले मना कर देते, स्कूल में जाती हूँ आरटी वाले मना कर देते, बोलते ना हमारे पहले एक दो नंबर आएगा, 7 नंबर भी आता ना तो लेते नहीं है, और 5वां था अभी नहीं, 7वां था भी लिया नहीं। पिछले 1.5 महीने से मैं स्कूल के चक्कर लगा रहा हूँ। 1.5 महीने पहले उसमें स्टेटस एडमिटेड आ गया था, और उसके लिए 1.5 महीने से लगभग रोज मैं वहाँ पर स्कूल में चक्कर लगा रहा हूँ, जिसके बाद मुझे यही दिया जा रहा है कि आप कल आइए, आप परसों आइए, अभी हमारे पास स्टेटस नहीं है, अभी वेरीफाइड नहीं है, आज हमारा स्टाफ नहीं आया, अभी हमने चेक नहीं किया। 2009 के शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है। इनमें मुफ्त शिक्षा के एवज में सरकार इनको पैसा देती है। इसी राशि को लेकर स्कूलों और शिक्षा विभाग के बीच तनातनी चल रही है। जिला शिक्षा कार्यालय ने 24 विद्यालयों की एनओसी रद्द करने का प्रस्ताव अगस्त में ही शिक्षा विभाग को भेजा था, लेकिन अब तक इन विद्यालयों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 25% बच्चों को जो एडमिशन होते हैं, उनके 25% को आप
निःशुल्क प्रवेश दीजिए ताकि वो भी शिक्षा ले सकें, और शिक्षा का जो समानता का एक अधिकार है कि शिक्षा पाने का अधिकार है उसको पूरा करें, जो कि उनकी जिम्मेदारी में के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने वो एडमिशन्स नहीं किए, उन्होंने जब एडमिशन नहीं किए ऐसी स्थिति में फिर हमने उनको देना पड़ा, नोटिस दिया उनको। बाकी सारे स्कूलों ने दे दिया था, कुछ स्कूलों ने नहीं दिया था, उनको हमने नोटिस दे दिया, वो 24 स्कूल थे। वहीं निजी विद्यालयों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। आरटी एडमिशन्स के संबंध में राजस्थान सरकार चाहती ही नहीं, उनकी मंशा नहीं है कि एडमिशन हो, इसलिए पूरी प्रक्रिया को उन्होंने उलझा रखा है। बाकायदे एक्ट में लिखा हुआ है कि एनी प्री प्राइमरी क्लासेस, चाहे PP3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, और फर्स्ट क्लास जो भी स्कूल चाहे उसमें एडमिशन दे सकती है। सरकार से मैं ये निवेदन अनुरोध करूंगा कि वो नियमों की व्याख्या सही करे, पेरेंट्स को और स्कूल को गुमराह नहीं करे ताकि एडमिशन हो सके। लेकिन बच्चों की चुनौतियां सिर्फ एडमिशन लेने तक ही खत्म नहीं होती, इसके बाद उन्हें किताबों और यूनिफॉर्म के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। मेरी बच्ची बहुत फीस के लिए परेशान हो रही है, 3 महीने हो गए स्कूल से बैठी है, बिना फीस उसके बिना बिना ड्रेस बिना और बिना किताबें बिना। ऐसे स्कूल में जाते तो बोलते भाई किताबें लो, हम कहां पढ़ाएं। शिक्षा के अधिकार की मूल भावना केवल फीस माफी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो बुनियादी सुविधाएं देना भी है जो बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक हैं। किताबें और यूनिफॉर्म उसका अहम हिस्सा है। हजारों बच्चे शिक्षा के अधिकार के तहत एडमिशन तो पा लेते हैं, लेकिन अधिकार से शिक्षा नहीं ले पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग से, जहां पर एनकाउंटर हुआ था। सुरक्षा बल अब उस हाइडआउट के करीब पहुंच चुके हैं जहां पर निशाना बनाकर बम और गोले बरसाए गए थे। मंगलवार से जारी इस ऑपरेशन में बारिश और घने जंगल और पहाड़ी इलाकों के होने की वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं। यहीं पर घात लगाकर किए आतंकी हमले में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए थे। छिपे हुए आतंकियों में उजैरा खान के भी शामिल होने की खबर है, जो उस इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ है। हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन का। राजीव, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, ये उस हाइडआउट तक पहुंचे हैं और ये 5 दिन भी आसान नहीं रहे हैं, और वो भी तब जब अपने साथियों की इतनी बड़ी शहादत इन सैनिकों ने झेली है। क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं, हाइडआउट तक बिल्कुल सेना के लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हाइडआउट के जाने से पहले पूरे एरिया को क्लीन करना होगा, एक एक जगह को देखना होगा, और खासतौर से उस हालात में जब इलाके में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई जगहों पर विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाता है। जंगल के इलाका है, पहाड़ी इलाका है, खाई और गुफा है, इसको देखते हुए जब तक एरिया को क्लीन नहीं किया जाएगा, यानी इस बात को लेकर भी सुनिश्चित किया जाएगा कहीं कोई आतंकी जिंदा तो नहीं है, वो कहीं छुपा हुआ तो नहीं है, कहीं ID तो नहीं बिछा लिया गया है, तो इस वजह से सारे उपकरण डॉग स्क्वाड वगैरह के सबके साथ है, और जब पूरा इस बात से निश्चिंत हो जाए कि वहां कोई इसी तरह कोई विस्फोटक नहीं है, आतंकी मर गया है, तभी जाकर उस हाइडआउट को पूरी तरह से क्लीन किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर जब तक, जिस तरह से राजीव बता रहे हैं कि सेना के जवान पूरी तरह से सावधानी यहाँ पर बरत रहे हैं, और जब तक एरिया को पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं कर दिया जाएगा तब तक वहां पर आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर सेना ने उठाया है, और ऐसे में आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि आगे इस तरह की कोई वारदात दोबारा न हो, आगे ऐसा कोई नुकसान दोबारा सेना को न उठाना पड़े।